फ्रेंड्स, वेलकम टू HP शिक्षा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है संबंधित है हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट मीटिंग जो थी, अभी चल रही थी, तो इसका जो समापन है अभी ही समाप्त हुआ है। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं, तो विस्तार रूप से आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं क्या ये अपडेट है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश 10वीं कक्षा के 1.5 लाख छात्र किए प्रमोट, 6 मई से लगेगा कोरोना कर्फ्यू। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। CBSE के मॉडल के आधार पर अंक तय कर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। तो प्रदेश में शिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। CBSE के मॉडल के आधार पर अंक तय कर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। तो फिलहाल अभी 10 मई तक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद किए गए थे। प्रदेश में 6 मई रात 12 बजे से मैं कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इसी के साथ ही धारा 144 लागू कर दी जाएगी। 16 मई तक सरकारी दफ्तर भी हिमाचल में बंद रहेंगे। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ अपडेट कि हिमाचल प्रदेश में जो है कर्फ्यू लगा हुआ, जो 10वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ अपडेट जो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में डिसाइड हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।